हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजेंद्र कुमार ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से हम आपको बिल्डिंग ड्राइंग के सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें ये पार्ट वन है जिसमें हम डोर का प्लान बताएंगे और पार्ट सेकेंड में हम आपको डोर का सेक्शन बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये जो है 1.2 मीटर × 2.1 मीटर एक बेडरूम का जो दरवाजा है, जिसकी चौड़ाई 1.2 मीटर और जिसकी हाइट 2.1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम डोर का कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये हमारी स्केल है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अपने MD यानी मिनी ड्राफ्टर से आप इस बिल्डिंग यानी कि इस डोर को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 1.2 मीटर को हम इसको स्केल पे चेंज करेंगे। स्केल पे चेंज कैसे करेंगे, तो हम इसको स्केल मानेंगे। स्केल हम ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं 1:10 का। ठीक है दोस्तों, स्केल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा डोर इतना बड़ा होता है कि हम इसको सीट पे नहीं दिखा सकते। इस वजह से क्या करते हैं, हम स्केल लेते हैं कि बड़ी चीज को छोटे छोटा करके हम सीट पे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 1.2 मीटर है, इसको हम चेंज करेंगे स्केल पे। तो सबसे पहले हम कैसियो लेते हैं, आपको एक कैसियो एग्जाम में आपको अलाउ होगा। तो 1.2 मीटर को पहले सबसे पहले आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें। 1.2 मीटर इंटू सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 मीटर × 100, ये 120 सेंटीमीटर आ गया। अब स्केल कितनी आपकी 10 है, तो आप 10 से इसमें डिवीजन कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार आप ऊंचाई को भी कर सकते हैं, तो ऊंचाई को हम बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्केल है, आप MD से बनाना स्टार्ट करेंगे। आप अपनी MD सेट कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ हमारा ये है यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर यहाँ से इस प्रकार से हम खींच लेंगे। आप अपनी एंडी पे MD पर बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये क्या है कि हमारा जो डोर होता है उसमें दोनों तरफ हॉर्न निकले होते हैं। हॉर्न क्या करता है कि दीवार में जो हमारा दरवाजा होता है वो फिट करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो हमारा जो एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर हॉर्न होता है, और जब स्केल पे हम चेंज करेंगे तो 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो 1.5 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो स्केल पे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा ये हॉर्न हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों साइड में हमारा हॉर्न होता है फंसाने के लिए दीवार में। आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, यानी कि एक इमेज में दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको फिगर में दिखाया गया होगा कि जो हमारा दरवाजा होता है, इसकी जो पोस्ट होती है यानी सामने का जो हमारा चौखट दिखता है, वो उसकी मोटाई जो होती है यानी कि चौड़ाई जो होती है वो एक्चुअल में 8 सेंटीमीटर होती है। अगर हम अब उसको स्केल पे चेंज करेंगे यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हम स्केल पे चेंज कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर / 10 = 0.8 सेंटीमीटर स्केल पे आया। इसका क्या मतलब है कि हमारा 0.8 सेंटीमीटर मतलब 8 mm। तो इसको हम 8 mm यहाँ से यहाँ तक हम 8 mm चले आएंगे। ये हमारा 8 mm हो गया, और ठीक राइट साइड से भी हम 8 mm आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कहाँ तक आएंगे, जहाँ तक हमारा हॉर्न है, यहाँ तक हॉर्न है। अब यही कंस्ट्रक्शन है, आप यही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ हम हॉर्न तक चले आए। अब हमारी हाइट कितनी है, 2.1 मीटर। 2.1 मीटर आप टॉप से आएंगे, ना कि यहाँ से आएंगे। ठीक है दोस्तों, टॉप से कितना है, 2.1 मीटर। 2.1 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे, 2.1 × 100 2:10 आ गया, डिवाइडेड बाई 10, स्केल कितनी है 10, तो 21 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों, हम 21 सेंटीमीटर चले आएंगे नीचे, तो 21 सेंटीमीटर यानी कि ये हमारा 15 हो गया और ये 6 हो गया, 15 6 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ठीक, राइट साइड से भी वही काम करेंगे, 15 सेंटीमीटर, और इसका आप प्रोजेक्शन ले सकते हैं एमडी से, इस प्रकार से आप प्रोजेक्शन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया हाइट, दरवाजे की हाइट हो गई, यहां से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ये हमारा हेड है, यहाँ तो आपको 8 mm दिखा, ये जो हमारा पोस्ट होगा यानी कि दरवाजे का सामने का जो पोस्ट होगा वो आपको भी 8 mm का ही दिखाई देगा, आपको हॉर्न और ये जो हेड है, ठीक है, ये दोनों आपको 8 mm के ही दिखाई देंगे, यानी 8 mm और 8 mm। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये 8 mm का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल गलती ना करें, आप मेरे साथ बनाएं, जरूर से आप सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो ये क्या है हमारा 8 mm का आपका पोस्ट हो गया, ये पोस्ट है, ये हेड है और ये हॉर्न है, इसको हम बाद में डिस्क्राइब कर देंगे, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। 8 mm यानी कि यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी 8 mm, यहां से यहां तक की चौड़ाई 8 mm, यहां से यहां तक की चौड़ाई 8 mm। ठीक है, यानी कि आपका जो चौखट दिखाई देगा, सॉरी, आपका जो ये फ्रेम दिखाई देगा, दरवाजे का फ्रेम जो दिखाई देगा, सारा सारा 8 mm का दिखाई देगा। इतना आपको क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे दरवाजा होता है यानी पल्ला जो लगा होता है वो 1 mm ग्राउंड लेवल से 1 mm ऊपर लगा होता है। क्यों? क्योंकि 1 mm ऊपर लगा होता है, इस वजह से हमें दरवाजा खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि ये दरवाजा ऊपर ही रहता है ग्राउंड लेवल से, यानी कि आपका चौखट है ये वाला और इसके ऊपर हमारा क्या होता है, दरवाजा होता है। क्यों होता है ग्राउंड लेवल से छोड़ के, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दरवाजा जो खुलता है उसमें खुलने में आसानी हो। ठीक है, तो और यहाँ पे हवा अच्छी से चली जाए और इतना छोड़े, अपने आवश्यकता अनुसार छोड़े, इसमें से सांप या बिच्छू ना जा पाए। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब आपको दरवाजे की इमेज में दिखाया रहा होगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे कटित लाइनें होती हैं, जैसे मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे 2 mm, यानी कि अंदर वाले पोस्ट से हटके, पोस्ट की लाइन से हटके 2 mm का डॉटेड होता है। ये डॉटेड क्यों होता है, आपने यदि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सीखा होगा तो उसमें जाने होंगे कि जो चीज़ कटा होता है उसको हम डॉटेड में दिखाते हैं, यानी कि ये 2 mm का डॉट इस वजह से होता है क्योंकि इसमें हमारा जो दरवाजा होता है उसमें आके फिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दरवाजा जो कटित लाइनें होती हैं उन्हें आप डार्क लाइन से दिखाएंगे, सॉरी HB पेंसिल से बनाएंगे, जो प्रोजेक्शन लाइन होगी, प्रक्षेपी होगी, उसी को आप 2H पेंसिल यानी कि लाइट पेंसिल से दिखाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैं इसको यानी डॉटेड लाइन को बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये डॉटेड लाइन हमारी हो गई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर की। ठीक है, अंदर में क्या करते हैं, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इस डॉटेड लाइन से 1 सेंटीमीटर यानी कि स्केल पर 1 सेंटीमीटर राइट में और इस डॉटेड लाइन से 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में 1 सेंटीमीटर, कहाँ से, डॉटेड लाइन से। तो ये हमारी डॉटेड लाइन है, तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर आएंगे, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर इस साइड में हो गया और 1 सेंटीमीटर इस साइड में, हम नाप लेते हैं यहाँ पे, हमारा 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम खींच लेते हैं, ये स्केल पे 1 सेंटीमीटर आ गई, और यदि हम इसको एक्चुअल में माने तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर है डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये हम यहाँ से ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, अब ये हमारी दो लाइन मिल गई। अब हम इस दो लाइन का मिड पॉइंट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 8.5 है, तो हमारा जो 4.2 होगा यहाँ हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से 1 mm लेफ्ट साइड में और 1 mm राइट साइड में हम
दो पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट से यानी कि इस वाले पॉइंट से लेफ्ट वाले पॉइंट से एक डार्क लाइन खींच लेंगे। यही कंस्ट्रक्शन है आप डोर का, आप बारीकी से देखिएगा। लेफ्ट से एक डार्क लाइन खींच लिए और राइट साइड से एक डॉटेड लाइन खींच लिए। ठीक है दोस्तों, ये डॉटेड लाइन है, आप इस डॉटेड लाइन को अच्छी तरीके से बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी हो गई, क्या हो गई, डार्क लाइन और डॉटेड लाइन। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ घटपट दिख रहा होगा लेकिन अगर आप एमडी से बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर यानी कि अगर हम एक्चुअल की बात करें तो 10 सेंटीमीटर जाएंगे और ड्राइंग पे बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस डॉटेड लाइन से 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में और इस डार्क लाइन से 1 ही सेंटीमीटर राइट में जाएंगे और इसको करने के बाद हम एक डार्क लाइन खींच लेंगे। दोस्तों ये ड्राइंग शीट की बात हो रही है, ड्राइंग शीट पे हम 1 सेंटीमीटर जाएंगे और अगर एक्चुअल की बात हो तो एक्चुअल पे क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा हो गया डॉटेड लाइन से 1 सेंटीमीटर और डार्क लाइन से 1 सेंटीमीटर, इतना क्लियर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये हमारा जो बॉटम है, बॉटम से 20 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गए और यहाँ से आप अपने एमडी कस के और यहाँ पे आप एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से 80 सेंटीमीटर एक्चुअल में 80 सेंटीमीटर और ड्राइंग शीट पे कितना 80, ठीक है दोस्तों, 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय स्केल से 10 से डिवीजन कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि स्केल पे 8 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एमडी से बनाइए, मैं स्केल से बना रहा हूँ, आप एमडी से बनाइए। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर छोड़ते हैं और 15 सेंटीमीटर स्केल पे आप चेंज करेंगे तो वो 1.5 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दिए। अब इसके बाद टॉप रेल पे आ जाइए, टॉप पे अब क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, ऊपर से 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, यहाँ पे आ गए हम 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में दो पार्ट में डिवाइड कीजिए और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छूटना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक देख लिए, हमारा कितना है, 7 है, तो 7 में से 1 घटा देंगे, 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चले जाएंगे, 3 सेंटीमीटर यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया और 1 सेंटीमीटर ही छोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा, यानी कि इस भाग को हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। ये क्या हुआ कि हमारा 1, 2, 3 यानी कि ये हम कौन सा डोर बना रहे हैं, ग्लास पैनल डोर बना रहे हैं, ध्यान में रखिए, ग्लास पैनल डोर। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे हम, 2 mm यानी कि ये जो तीनों ब्लॉक बने हैं 1, 2, 3 इन तीनों ब्लॉक में क्या करेंगे, 2 mm का हम डॉट 2 mm का एक ब्लॉक बना लेंगे यानी कि आयताकार खींच लेंगे इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया इस प्रकार से, ठीक इसमें भी उसी प्रकार से खींचेंगे 2 mm 2 mm। ठीक है, स्केल पे 2 सेंटीमीटर सॉरी एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर स्केल पे 2 mm। मुझे बनाने में यहाँ पे मैं स्केल से बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, आप एमडीस बनाइए बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना बन गया, ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम दोस्तों उसमें आप मैनेज कर लीजिए।
ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से हम कर लिए, ठीक है। चूंकि ये ग्लास पैनल डोर है इस वजह से हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को नहीं मिलाएंगे, अगर ये हमारा क्या होता, बाद में बात करेंगे हम लकड़ी वाले यानी कि वुडन पैनल डोर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यदि आपको वुडन पैनल डोर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी बिल्डिंग ड्राइंग जो है मैं अपलोड करने वाला हूं आपके लिए, और इसमें आप अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया है क्या, ग्लास पैनल डोर। तो दोस्तों A1, 2 और 3 ब्लॉक हो गया। अब क्योंकि ये हमारा ग्लास पैनल डोर है इस वजह से हम ग्लास की हैचिंग कर देंगे ऑन 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे इस प्रकार से हम हैचिंग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ग्लास पैनल डोर, ठीक है दोस्तों। 45 डिग्री पे करना है आपको हैचिंग, इस डोर का सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट टू में देखेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट टू देखना हो तो जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों ये हमारा हो गया है क्या, हैचिंग हो गई है, यानी कि ग्लास की हैचिंग हो गई है। दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 mm यानी कि सॉरी 5 mm हम चौखट में इस प्रकार से इस हम दरवाजे को गाड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 mm जमीन में गाड़ देते हैं क्योंकि हमारा पोस्ट हिले ना, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम इसकी डायमेंशंस लिख देते हैं। डायमेंशंस जो है ये जो आपकी डायमेंशंस यहां से यहां तक की है वो है, ये है 80 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशंस मैं आपको सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, आप उसको देख लीजिए। ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और यहां से यहां तक की डायमेंशंस ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। आप इसको स्केल पे चेंज करके बनाइएगा, और टॉप रेल वाली जो डायमेंशंस है, ठीक है दोस्तों, यहां पे जो है डायमेंशंस ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बीच वाली जो डायमेंशंस बच रही है आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। और इसकी जो हाइट है, इस डोर की हाइट है, बिल्कुल प्रोजेक्शन लाइन से आप दिखाइएगा इसको, इस डोर की हाइट है 2.1 मीटर, ठीक है 2.1 मीटर। और इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी है, चौड़ाई हॉर्न को छोड़ के बताइएगा आप, यहां से हॉर्न को छोड़ के, ठीक है। हमने हॉर्न को छोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर लंबा ये सॉरी चौड़ाई है इसकी। अब हम इसमें बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं हेड की, यहाँ से आप इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से बिल्कुल एक लाइन में आप दिखाइए इसको, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। ये ग्लास है हमारा, ये हमारा पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं हमारी, ये जो हमारा है ये डोर स्टॉपर है, इसको हम डोर स्टॉपर कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये दरवाजे को रोकता है। और यहीं पे बिल्कुल हमारा लगा होता है लॉक रेल, ठीक है। और ये हमारी मीटिंग स्टाइल होती है, और ये हमारा बॉटम होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हेड, हेड हो गया। हेड की माप कितनी होती है दोस्तों, 8 × 10 होती है, यानी 10 इसकी गहराई होती है, और 8 जो है सामने दिखता है सेंटीमीटर में होती है, सारी की सारी डायमेंशन जो है सेंटीमीटर में होगा। ये हॉर्न है, हॉर्न है, ठीक है दोस्तों। हॉर्न कितना हमारा निकला होता है यहाँ से यहाँ तक, 15 सेंटीमीटर एक्चुअल में, और स्केल पर 1.5 सेंटीमीटर
ठीक है दोस्त, सॉरी यहाँ पे आपको मिस्टेक हो गई है। ये जो है ये हॉर्न है, और ये जो हमारा है ये क्या है, टॉप रेल है हमारा, टॉप रेल, ठीक है, ये हमारा टॉप रेल है, यानी जो ये जा रही टॉप रेल है, और ये हमारा हॉर्न है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, ग्लास है, ग्लास, ठीक है दोस्तों, ये ग्लास पैनल डोर है, और ये हमारा पोस्ट है दोस्तों। पोस्ट भी कितना होगा, 8x10 का ही होगा, यानी हम मैं लिख देता हूँ 8x10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा पोस्ट, ये हमारा डोर स्टॉपर हो गया, डोर स्टॉपर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डोर स्टॉपर, ये हमारा जो हो गया लॉक रेल, लॉक रेल, लॉक रेल बिल्कुल मिड में होता है। अब इसके बाद बात करते हैं मीटिंग स्टाइल, जहाँ पे हमारा दोनों कपाट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा देख लीजिएगा, ये मीटिंग स्टाइल है, जहाँ पे हमारे दो कपाट मिलते हैं उसको हम कहते हैं मीटिंग स्टाइल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बॉटम रेल, सबसे लास्ट में आता है बॉटम रेल, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, आप इसको लाइन में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट वन, जिसमें हम डोर को, डोर का आपको प्लान बताए हैं। अगर आपको इस वीडियो, इस डोर का सेक्शन देखना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।